सोना बनाने वाला साधु। मैंने फिर पूछा, सुना है साधु लोगों के बीच ऐसे लोग भी हैं जो इच्छा होने से सहज में ही सोना बना सकते हैं। ठाकुर ने कहा, हां, इस बार श्री वृंदावन में एक सन्यासी आए थे, वे सोना बनाते थे। उनके लिए उनके गुरु का आज्ञा था, प्रतिदिन कम से कम 12 साधुओं की सेवा करनी होगी। अर्थ का अभाव होने पर 12 जनों की सेवा के लिए जो प्रयोजन होगा उसी परिमाण में वे सोना बना सकते हैं। अन्य कारण से अथवा स्वयं के प्रयोजन हेतु सोना बनाने के लिए उनके गुरु ने मना किया था। श्री वृंदावन में आकर वे आवश्यकता के अनुसार सोना बनाने लगे। क्रमशः उसका प्रचार होने से पुलिस के लोगों को संदेह होने पर एक दिन मथुरा से पुलिस साहेब ने आकर उस साधु को पकड़ लिया। साधु ने सोना बनाकर साहेब को दिखलाया। सोने की परख करने पर साहेब को पता चला, बड़ा उत्कृष्ट सोना है। फिर साहेब ने सोना बनाने की प्रणाली सीखने के लिए साधु को रुपयों का लोभ दिखलाया। 10,000 रुपए देना चाहा। साधु ने कहा, मैं 10 मिनट के भीतर 10,000 रुपए का सोना सहज में बना सकता हूं, मुझे रुपयों का लोभ क्यों दिखला रहे हो? अपनी यह विद्या मैं किसी को नहीं सिखाऊंगा। फिर साहेब उनको बहुत डराने लगे। साधु ने कहा, मैं कृत्रिम माल देकर ठग कर रुपए लेता हूं या नहीं, आप केवल वही जांच कर सकते हैं। अपनी विद्या में अन्य लोगों को नहीं सिखाऊंगा। इस विषय में मैं किसी की जिद से बाधे नहीं होऊंगा। एक दिन उस साधु ने दाऊ जी के मंदिर में आकर मुझसे भेंट करके कहा, मेरे गुरु जी ने मुझे आज्ञा दिया है कि मेरे आदेश का पालन करके चल सके, ऐसे साधु को यह विद्या सिखा देना, पर मुझे ऐसा साधु मिल नहीं रहा है। फिर किसी एक को यह विद्या सिखलानी ही होगी, आपकी यदि इच्छा है तो आपको यह विद्या सिखा देता हूं। यह कहकर उन्होंने मेरे सामने थोड़ा तांबा लाकर उसमें एक पत्ते का रस निकालकर उसे आग में डाल दिया। 5-7 मिनट बाद आग से निकाल लिया, देखा बहुत उत्कृष्ट सोना बन गया। मैंने साधु से कहा, ये सब सीखने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, यह विद्या आप जानते हैं, इस कारण देखिए कितने लोग सर्वदा आपके पीछे लगे रहते हैं। ये सब उत्पात लेने का क्या प्रयोजन? एक मुट्ठी अन्न जब भगवान देंगे ही, तब और सबका क्या आवश्यकता है? सोना बनाने की अनेक प्रकार की प्रणालियां हैं, लेकिन इस साधु ने जिस प्रणाली से बनाया वो बहुत ही आसान है। इतने सहज में सोना बनाना और कहीं देखा नहीं। ये सब सीखना नहीं चाहिए। ये सब सीखने से मनुष्य को नाना प्रकार के उत्पात में, आपद विपद में पड़ना होता है। धर्म कर्म सब चूल्हे में चला जाता है। भगवान की कृपा जो प्राप्त करना चाहते हैं, ये सब उनके लिए भयंकर प्रलोभन है। ये प्रलोभन आने से थूक कर उसे अग्राह कर देना चाहिए। आप अगर दिल्ली के बिड़ला मंदिर में जाएं, तो वहां पे भी ऐसा ही एक घटना हुआ था कि एक सज्जन वहाँ पे सोना बना के दिखाए थे, जो वहाँ पे लिपिबद्ध किया गया है, वहाँ पे लिखा गया है। तो आप वहाँ जाएं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। और जैसा कि श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी कहते हैं कि अब ज्ञान रखना चाहो तो रखो, लेकिन ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। इस पे मैंने एक करीबन 55 मिनट का ऑडियो भी बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ज्ञान के लिए सिर्फ आप उसे सुन सकते हैं। सुखमय वृंदावन, 7 अप्रैल, दिन मंगलवार। श्री वृंदावन के वैष्णव महात्माओं की बातें ठाकुर अनेक समय कहा करते हैं। ठाकुर के श्री वृंदावन से आने के कुछ समय पहले एक वैष्णव ने अद्भुत रूप से देह का त्याग किया था। ठाकुर ने आज उनकी बात कही। एक दिन एक महोत्सव के उपलक्ष्य में वृंदावन परिक्रमा करते हुए हजारों हजारों वैष्णव संकीर्तन करने लगे। गाने का पद था, सुखमय वृंदावन यमुना पुलीन। एक वैष्णव महात्मा संकीर्तन में महाभाव के आवेश में चेत हो गए। 3 दिन 3 रात्रि वे एक ही अवस्था में रहे। बाबा जी की मग्न अवस्था के समय मैंने कई बार उनकी छाती पर कान लगाकर सुना, भीतर से सुखमय वृंदावन स्पष्ट शब्द उठ रहा है। बाबा जी ने उसी अवस्था में देह त्याग किया। अज्ञात साधु के पास आश्रय ग्रहण करने से विपत्ति।
इस बार हरिद्वार पूर्ण कुंभ में पर्वतवासी अनेक महात्मा महापुरुष आएंगे। भारतवर्ष के सभी स्थानों से साधु संन्यासियों का इस महामेले में आगमन होगा। इस प्रकार की बात पहले से ही सर्वत्र प्रचारित हो गई थी। बंगाल के विविध स्थानों से अनेक सज्जन एवं स्कूल के लड़के भी हरिद्वार के इस मेले में आए। सिद्ध महात्माओं से दीक्षा लेना ही उन लोगों का उद्देश्य था। स्कूल के 3-4 लड़कों ने किसी सन्यासी के बाहरी वेश एवं साधुता के आडंबर से धोखे में आकर उनको महापुरुष समझकर उनसे दीक्षा ले ली। सन्यासी ने उन लोगों को दीक्षा देते ही वस्त्र आदि उतरवाकर कौपीन पहनने को दिया एवं सेवा कार्य में लगा दिया। सभ्य घर के लड़के नियमित बर्तन मांजना, लकड़ी काटना, पानी भरना इत्यादि परिश्रम का कार्य करते करते अस्वस्थ हो गए। सन्यासी ने उनकी पीड़ित अवस्था देखकर भी उन्हें अत्यधिक परिश्रम से छुट्टी नहीं दी, वरन और भी फटकारने लगे। उनका निर्दिष्ट कार्य ठीक प्रकार से न करने पर निर्दयता से पीटेंगे, इस प्रकार का डर भी दिखाने लगे। ये लड़के जिससे भाग न पाए इसके लिए अपने अन्य सन्यासी शिष्यों को उन पर दृष्टि रखने के लिए कह दिया। वे लोग भी काम काज में किसी प्रकार की शिथिलता देखने से उन लड़कों पर अत्याचार करते थे। अस्वस्थ शरीर से रात दिन लगातार परिश्रम का कार्य करने का सामर्थ्य नहीं, भागने का उपाय भी नहीं, अतएव वे लड़के बड़े संकट में पड़ गए। एक दिन ठाकुर अचानक उस सन्यासी के पास पहुंच गए। उन लड़कों ने ठाकुर को देखकर रोते रोते अपनी सारी दशा उनसे कही। ठाकुर ने उन लोगों को छोड़ देने के लिए सन्यासी से अनुरोध किया। सन्यासी ने ठाकुर का अनुरोध स्वीकार नहीं किया। नाना प्रकार से गाली गलौज करके बड़ा तेज दिखाते हुए कहा, ये लोग हमारे चेले बने हैं, मंत्र लिए हैं, हम कभी इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। ठाकुर चले आए एवं शीघ्र पुलिस की सहायता लेकर उन लोगों को छुटकारा दिलवाया। स्कूल के और भी कुछ लड़के उसी प्रकार धर्म धर्म करके अज्ञात कुलशील सन्यासी से दीक्षा लेने के लिए तत्पर हो गए थे। ठाकुर ने संकट में पड़े उन लड़कों की बात कहकर उनका वह संकल्प सुरक्षित नहीं है बतलाया एवं शीघ्र उन्हें गांव भेज दिया। अनधिकारी के गेरुआ धारण करने से अपराध। अन्य एक दिन कुछ बंगाली सज्जन गेरुआ वस्त्र धारण करके सन्यासी के वेश में ठाकुर के पास पहुंचे। ठाकुर को उन लोगों का परिचय मिलने से पता चला कि वे लोग सन्यास अथवा अन्य कोई आश्रम ग्रहण नहीं किए हैं, अभी तक उन लोगों की दीक्षा भी नहीं हुई है। तब ठाकुर ने उन लोगों से पूछा, आप लोग गेरुआ वस्त्र क्यों पहनते हैं? गेरुआ धारण करने की एक उपयोगिता है, बिना अधिकार के अपनी इच्छा से गेरुआ वस्त्र ग्रहण किए हो यह पता चल जाने पर ऐसे अनेक साधु हैं जो सहन नहीं करेंगे, चिमटा लेकर भयानक रूप से प्रहार करके ये वस्त्र छीन लेंगे। उन सज्जनों ने कहा, महाराज सादा कपड़ा 2-4 दिन में मैला हो जाता है, हाथ में पैसे नहीं हैं जिससे धुलवा ले, इसलिए यह रंग कर लिए। ठाकुर उनकी बात सुनकर 12 आने पैसे उनके हाथ में देते हुए कहा, कपड़े धुलवाने के लिए ये कुछ पैसे लो, आज ही गेरुआ त्याग दो। उन सज्जनों ने वही किया, शीघ्र गेरुआ त्याग कर सादा वस्त्र पहन लिए। कुंभ मेले का प्रसंग। कुंभ मेले में असंख्य साधु सन्यासियों के सम्मिलन की बात सुनकर ठाकुर से पूछा, गंगा स्नान करने के लिए ही क्या साधु महात्मा कुंभ मेले में आते हैं? ठाकुर ने कहा, कुंभ योग पर तीर्थ स्थान में गंगा स्नान का जो विशेष महात्म्य है वह तो है ही, किंतु कुंभ मेले का उद्देश्य केवल स्नान नहीं है। यह मेला 3 वर्ष के अंतर में एक एक स्थान पर हुआ करता है। हरिद्वार, प्रयाग, नासिक एवं उज्जैन में कुंभ मेला होता है। कुंभ योग के उद्देश्य से विविध स्थानों के, यहां तक कि पर्वतवासी महापुरुष भी निर्दिष्ट स्थान पर एकत्र होते हैं। साधु महात्माओं के एक निर्दिष्ट स्थान पर सम्मिलित होने का समय ही कुंभ योग है, यह सभी साधु संन्यासी जानते हैं। साधन भजन में जो सब संकट संशय आते हैं, साधु लोग इस समय महात्मा महापुरुष के समक्ष उसे व्यक्त करके समाधान कर लेते हैं। साधन भजन के विषय में जिसका जो प्रयोजन है उस विषय में शिक्षा प्राप्त करना ही इस मेले का मुख्य उद्देश्य है।
इस समय महापुरुष एकत्र होकर साधु संन्यासियों एवं देश के साधारण लोगों का धर्म भाव कैसा है उसकी खबर लेते हैं। जिस प्रकार की व्यवस्था करने से जिस क्षेत्र के लोगों का कल्याण होता है, वही निश्चित करके वे लोग एक एक क्षेत्र का भार एक एक महात्मा के ऊपर अर्पण करके प्रस्थान करते हैं। इस बार 84 कोस ब्रजमंडल का भार उन्होंने रामदास काठिया बाबा को दिया है। महापुरुषों ने उनको वज्र विदेही महंत की उपाधि दी है। इस प्रकार भारतवर्ष के सभी क्षेत्रों के लिए इसी प्रकार एक एक महात्मा निर्दिष्ट हैं। देश में धर्म संस्थापन के लिए उन लोगों को समस्त भार ग्रहण करना पड़ता है, सर्वदा कठोर परिश्रम करना पड़ता है। श्री रामदास काठिया बाबा की अगर आप पूरी जीवनी पढ़ना चाहते हैं तो मैंने अपने ब्लॉग पे पूरी जीवनी उनकी हिंदी में लिखी है। डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग का लिंक दिया गया है। अगर आपका सहयोग रहा तो मैं उसे वेबसाइट के रूप में कन्वर्ट कर दूंगा और भी PDF हो गए, ऑडियो हो गए, ये सब मैं आपको वहाँ पे उपलब्ध कराऊंगा। तो अभी आप जाके ब्लॉग पे पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। मैंने तुरंत पूछा, पूरे बंगाल के धर्म संस्थापन का भार किसके ऊपर है? ठाकुर ने यह प्रश्न करने के साथ साथ ही आंखें बंद करके वे ध्यानस्थ हो गए, अतएव मुझे भी चुप रहना पड़ा। शांति सुधा के मात्र शोक में ठाकुर की सांत्वना। 8 अप्रैल दिन बुधवार, श्री वृंदावन में माता ठकुरानी के देह त्याग के विषय में विस्तार पूर्वक जानने की बड़ी इच्छा हुई, लेकिन ठाकुर से पूछने का सुयोग नहीं मिल पा रहा है, साहस भी नहीं हो पा रहा है। माता ठकुरानी के देह त्याग के बाद ठाकुर ने गिंडारिया आश्रम में शांति सुधा आदि लोगों को उसकी जानकारी देने के लिए अपने हाथ से जो पत्र लिखा था उसमें विस्तार से कुछ नहीं लिखा है। उस पत्र को पाकर आश्रम में रहने वाले गुरु भाई बहन लोग उसमें शांति सुधा को वह घटना बतलाने का साहस नहीं कर पाए, पत्र को गुप्त रख लिए। ठाकुर आकर स्वयं शांति सुधा को वह खबर देंगे, उस समय वे सांत्वना भी दे सकेंगे, यह सोचकर सब गुरु भाई बहन चुप रह गए। ठाकुर ने इस प्रकार लिखा है, ओम हरि। कल्याण वरेशु, गत शनिवार 21 फरवरी सन 1891 ईस्वी को संध्या के समय श्रीमती योग माया देवी ने अपनी चिर प्रार्थनीय सिद्ध देह प्राप्त कर ली। अविश्वासी लोग इसे मृत्यु कहते हैं, किंतु एक बार अविश्वास का आवरण हटाकर देखो, योग माया आज सखी वृंद के बीच कितनी अपूर्व शोभा सौंदर्य प्राप्त की है। श्रीमती शांति सुधा से कहना जिससे वह शोक ना करे, यह शोक की घटना नहीं है, अत्यंत आनंद की बात है। बहुत भाग्य से मनुष्य को यह प्राप्त होता है। आगामी बुधवार 4 मार्च को यहां उनके नाम से उत्सव होगा, उसके बाद हम लोग ढाका के लिए निकल पड़ेंगे। श्रीमती शांति सुधा यदि श्राद्ध करना चाहे तो आनंद पूर्वक उत्सव करके दुखी कंगाल लोगों को भोजन करा दे। मां शांति सुधा, शोक मत करना, आनंद करना, जितना शीघ्र हो सकता है हम लोग आ रहे हैं। आशीर्वादक श्री विजय कृष्ण गोस्वामी। इस घटना के कुछ समय पहले शांति सुधा को गर्भ के 8वें महीने में सुलक्षण युक्त एक पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। लड़की को लेकर शांति सुधा परमानंद से दिन काट रही है एवं शीघ्र ही माता पिता आएंगे सोचकर प्रसन्न चित्त से उन लोगों के आने के दिन की प्रतीक्षा कर रही है। इस समय ठाकुर हरिद्वार से कोलकाता होकर शीघ्र ढाका गिंडारिया आश्रम में आ गए। योग जीवन, कुतुबुड़ी, नानी जी आदि सभी ने ठाकुर के साथ आश्रम में प्रवेश किया। पिताजी आ गए हैं, यह सुनते ही शांति सुधा ने लड़के को गोद में लेकर दौड़ते हुए ठाकुर के पास पहुंचकर हंसते हंसते कहा, बाबा मां कहाँ है? ठाकुर ने कहा, शांति सुधा मैं तुम्हारी मां को श्री वृंदावन में छोड़ आया, वे नहीं आई, वहीं रह गई, हम लोग भी फिर कुछ समय के बाद वहां जाएंगे। सुना है, वह सब बातें सुनकर शांति सुधा स्पष्ट कुछ समझ नहीं पाई। ठाकुर ने शांति सुधा को सामने बैठाकर महाभारत और पुराण आदि की कथाएं सुनाते सुनाते माता ठकुरानी के देह त्याग की बात भी कह दी।
शांति सुधा सुनते ही मूर्छित सी हो गई। ठाकुर ने उनके शरीर पर हाथ फेर कर सचेत किया। शांति सुधा बहुत अस्वस्थ थी, अतएव मात्र शोक से उनके मस्तिष्क की दशा विकृत होने की सभी को आशंका थी, लेकिन वैसा कुछ हुआ ही नहीं। ठाकुर के शीतल स्पर्श से शांति सुधा का हृदय इतना शीतल हो गया कि माता के देह त्याग का भयंकर यंत्रणादायक शोक भी उनको वैसा कुछ स्पर्श नहीं कर पाया। माता ठाकुरानी के देह त्याग का विवरण। आज दोपहर में भोजन के बाद ठाकुर आम पेड़ के नीचे बैठे, तब मैंने माता ठाकुरानी के देह त्याग की बात पूछी। ठाकुर ने कहा, श्री वृंदावन जाने से फिर वे नहीं लौटेंगी जानकर ही उनके जाने के पहले कितनी बार पत्र लिखकर मना किया था, लेकिन वह उन्होंने माना नहीं। मेरी अस्वस्थता की बात जानकर तुरंत वहां गई। श्री वृंदावन पहुंचने के बाद भी उनको ढाका भेजने के लिए कितना कौशल किया था, लेकिन किसी प्रकार भी वे यहां आई नहीं। किस दिन देह त्याग होगा वे पहले ही जान गई थी। दो बार दस्त होने से ही शरीर अवसन्न हो गया। उस समय परमहंस जी ने मुझसे कहा, तुम शीघ्र कुंज से कहीं और चले जाओ, यहां तुम्हारे रहने से उन्हें नहीं ले जा सकेंगे। देह त्याग हो जाने पर कुंज में आना। मैं परमहंस जी के आदेशानुसार उसी समय आसन से उठ गया। वे पास वाले कमरे में थी, एक बार देखकर जाऊं सोचकर उस कमरे में गया। वे सब समझ गई थी, उनकी इच्छा थी उस समय पास में ही रहूं, इसलिए हाथ पकड़कर खींचते हुए संकेत द्वारा मुझे पास बैठने को कहा। फिर परमहंस जी के आदेशानुसार मैं फिर विलंब न करके कुंज से चला गया। फिर उनका देह त्याग हो गया यह जानकर कुंज में आ गया। सुना है ठाकुर माता ठाकुरानी के देह त्याग के कुछ क्षण बाद कुंज में आए, तब वहां गुरु भाई बहन लोग माता ठाकुरानी के देह को बरामदे में रखकर चीख चीख कर रो रहे थे। ठाकुर ने उस स्थान पर जाकर योग जीवन से कहा, योग जीवन, मृत देह को इतने समय तक रखे क्यों हो, यमुना के किनारे ले जाकर संस्कार कराओ। यह कहकर ठाकुर उस ओर देखे बिना अपना आसन बिछाकर बैठ गए। अन्य दिन जिस प्रकार रहते हैं ठाकुर उसी प्रकार आसन पर एक भाव में बैठे रहे, कोई अंतर देखा नहीं गया। योग जीवन, श्यामाकांत पंडित जी, श्रीधर, अश्विनी, सतीश आदि गुरु भाइयों ने मां की परम पवित्र देह को शीघ्र यमुना के किनारे ले जाकर केसी घाट में अग्निदाह किया। ठाकुर की इच्छा के अनुसार चिता निर्वाण के बाद योग जीवन माता ठाकुरानी की तीन अस्थियां संग्रह करके ले आए, उनमें से एक श्री वृंदावन में समाहित किए, अन्य दो हरिद्वार और गिंडारिया में प्रतिष्ठित करने के लिए रख लिए। भक्त के विरह से महात्मा लोगों को असाधारण ज्वाला। माता ठाकुरानी के शोक से नानी जी रात दिन दग्ध हो रही है। कभी कभी ठाकुर की कृपा से उन्हें माता ठाकुरानी का दर्शन मिला करता है, तभी ठीक है, अन्यथा इतने दिन में वे पागल हो जाती। नानी जी जब उच्च स्वर में योग माया कहकर रोया करती है, तब सारा आश्रम विषाद से भर जाता है, सुनकर हम लोगों का भी शरीर अवसन्न हो जाता है। नानी जी को इस प्रकार रोते देखकर उनको सांत्वना देने की चेष्टा करने पर ठाकुर हम लोगों को बाधा देकर कहते हैं, शोक के समय चित्कार करके रो लेने देना चाहिए, उससे शोक घट जाता है। शोक होने पर रो नहीं पाने से कई लोग पागल हो जाते हैं, यहां तक कि कई लोग असहनीय रोग होने से मर भी जाते हैं। माता ठाकुरानी का नाम लेकर नानी जी जब हृदय विदारक शब्द के साथ उच्च स्वर में रोया करती है, उस समय ठाकुर के श्रीमुख पर किसी प्रकार का भावांतर होता है या नहीं, मैं उसे बड़े ध्यान से लक्ष्य किया करता हूं। एक दिन भी ठाकुर में किसी प्रकार का परिवर्तन न देखकर मैंने पूछा, जो लोग जीवन मुक्त महापुरुष हैं उनको क्या किसी के लिए शोक कष्ट नहीं होता? ठाकुर ने कहा, हां बहुत होता है। भक्त के विरह से वे लोग जो ज्वाला भोगते हैं उसकी फिर कहीं तुलना नहीं होती। आत्मा के साथ जिनका संबंध हो जाता है उनके विरह से जो यंत्रणा होती है, साधारण लोगों का सामर्थ्य ही क्या है
जो उसकी कल्पना करे। उस ज्वाला की आंच भी सहन करने का सामर्थ्य साधारण लोगों में नहीं है, वह बहुत भयंकर है। मैंने कहा, जो लोग भक्त या महापुरुष हैं उन लोगों के शोक का कोई लक्षण क्या बाहर प्रकाशित नहीं होता? ठाकुर ने कहा, कभी होता है तो कभी बिल्कुल भी नहीं होता। महाप्रभु के अंतर्धान के बाद रूप सनातन आदि महाप्रभु के भक्तों में बाहर से किसी प्रकार के शोक का चिन्ह न देखकर बहुतों के मन में संदेह हुआ था कि ये लोग फिर कैसे भक्त हैं। एक दिन एक वृक्ष के नीचे भागवत पाठ हो रहा था, सभी पाठ सुन रहे थे। अचानक उस वृक्ष का एक सूखा पत्ता रूप गोस्वामी के शरीर पर गिरा। पत्ता शरीर पर पड़ते ही धप से जल उठा। तब उसे देखकर सभी समझ पाए महाप्रभु की विरह अग्नि में उनके भक्तगण किस प्रकार दग्ध हो रहे हैं। मैंने फिर पूछा, ऐसी कितनी ही बातें तो सुनी जाती है, लेकिन यथार्थ में क्या वैसा होता है? शोक से मनुष्य के देह से यथार्थ में क्या उत्ताप निकलता है? ठाकुर ने कहा, हां निकलता है। श्री वृंदावन में उनके यानी माता ठकुरानी के देह त्याग के बाद कुतु अत्यंत विचलित हो गई थी। उसको सांत्वना देने के लिए जैसे ही उसकी पीठ पर हाथ फेरा, वैसे ही कुतु उह उह करके चमक कर उछल पड़ी। मैं तभी समझ गया। कुछ क्षण बाद ही देखा गया कुतु के पीठ में जलने से फफोले पड़ने के समान 5 उंगलियों के दाग पड़ गए हैं। ठाकुर के साथ ये सब बातचीत के समय अन्य लोगों के आ जाने से फिर इस विषय में कुछ पूछने का सुयोग नहीं मिला। गोसाई जी के दर्शन हेतु पर्वतवासी अज्ञात महापुरुष। 10 अप्रैल दिन शुक्रवार। श्री वृंदावन में माता ठकुरानी का श्राद्ध कार्य योग जीवन द्वारा समापन करवाने के कुछ दिन बाद मार्च महीने के मध्य में ठाकुर हरिद्वार पूर्ण कुंभ मेले में गए। कुछ महापुरुषों के साथ भेंट करना एवं माता ठकुरानी की अस्थि को गंगा गर्भ में समाहित करना ही ठाकुर का वहां जाने का उद्देश्य था। अतः वे 4-5 दिन से अधिक वहां रुके नहीं। हरिद्वार पहुंचते ही ठाकुर गुरु भाई बहनों को लेकर ब्रह्मकुंड के घाट पर गए। वहां स्नान के बाद उन्होंने योग जीवन से माता ठकुरानी की एक अस्थि गंगा के भीतर समाहित करवा दी। कनखल में नानक शाही महंत श्री राम प्रकाश जी के आश्रम में ठाकुर के रहने की बात थी, परंतु वहां सुविधा नहीं होगी सोचकर ब्रह्मकुंड के पास गंगा के किनारे एक पंडे के घर में ठहरे। एक दिन ठाकुर साधु दर्शन के अभिप्राय से साथियों को लेकर मेले में गए। उस समय केवल लंगोटे पहने हुए एक पर्वतवासी सन्यासी ठाकुर को देखकर दूर से ही भीड़ के मध्य अबाध गति से बड़े उल्लसित भाव से नृत्य करते करते ठाकुर के सामने आए एवं बारंबार उच्च स्वर में कहने लगे, आज मुझे मिला रे मिला, आज मुझे मिला। डबडबाई आंखों से देखते हुए उच्च स्वर में इस प्रकार कहते कहते हाथ उठाकर नाचते नाचते कुछ एक बार ठाकुर की परिक्रमा करके एकाएक दृश्य हो गए। किस प्रकार कहां चले गए कोई उन्हें खोज नहीं पाया। अन्य एक जटाधारी उदासी महापुरुष लगभग उलंग अवस्था में थोड़े अंतर में रहकर ठाकुर का दर्शन करते ही लड़खड़ाते हुए 2-4 कदम अग्रसर होकर स्तंभ की भांति खड़े रहे। लगातार अश्रु बहने से उनका वक्ष स्थल भीगने लगा। बारंबार वे सिहरने लगते, हाथ जोड़कर कांपते हुए ठाकुर की ओर एकटक देखते रहे। गदगद भाव से अस्फुट स्वर में बार बार कहने लगे, मेरा सब पूर्ण हो गया, आज हम धन्य हो गए, धन्य हो गए। कुछ क्षण बाद ही श्रीधर ने उनके पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करके कहा, आशीर्वाद दीजिए महाराज, आशीर्वाद दीजिए। महापुरुष ने श्रीधर से कहा, अहो भाग्य तुम लोगों का, अहो भाग्य, भगवान का संग पाए हो, दर्शन ही बहुत दुर्लभ है, सब समय पीछे पीछे रहना, संग कभी नहीं छोड़ना, धन्य हो गया, धन्य हो गया। इन सब महात्माओं के विषय में ठाकुर से पूछने पर उन्होंने कहा, ऐसे महापुरुष लोकालय में कभी नहीं आते, पहाड़ों में ही रहते हैं। उन लोगों को देखते ही
लगा मानो उनका हमारे साथ कितना पुराना परिचय है। प्राणों का योग जिनके साथ है, बहुत समय बाद भी भेंट होने पर उन लोगों को पहचान लिया जाता है, बड़े ही आत्मीय लगते हैं। श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी जी की डायरी यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूं कि आपको उनकी डायरी बहुत पसंद आई होगी, और लगभग अगर पूरी जीवनी का बात किया जाए कि ये कितने घंटे का है, तो लगभग 18 से 19 घंटे का है। तो मैंने पार्ट वाइज ही बनाया है, तो आप चाहें तो उसे सुन सकते हैं। और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, अगर आप सहयोग दे सकते हैं तो हमें सहयोग करें, ताकि आपके लिए और भी मैं ऐसे ही कंटेंट बना सकूं। कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो दूसरी भाषाओं में हैं, जैसे बंगाली में है, कुछ गुजराती में है, कुछ तिब्बतियन भाषा में है, कुछ इंग्लिश में है, तो उन सब पुस्तकों को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों के लिए मैं ला सकूं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा, अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो ये भी हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले ऑडियोज नहीं सुने हैं तो आप आराम से उसे सुन सकते हैं, जब तक यह चैनल है यूट्यूब पे आप उसे सुन सकते हैं। और अगर किन्हीं कारणों से ये चैनल अगर डिलीट हो जाता है तो मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि इतने सारे वीडियोस का मेरे पास बैकअप भी नहीं रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि इससे पहले वाले जो चैनल्स थे उनके वीडियोस आप यहाँ पे डालिए, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे पास वो बैकअप नहीं है, क्योंकि मेरे पास उतनी स्टोरेज नहीं है उसको स्टोर करके रखने के लिए। तो इसलिए मैं ये भी सोच रहा था कि मैं एक वेबसाइट बनाऊँ, वहाँ पर सारे जितने भी मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ बनाता हूँ वहाँ पर मैं रख दूँगा, जिससे आप लोगों को आसानी होगा। और वो तो कभी डिलीट नहीं होगा जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कभी कुछ समस्याएं आ जाती हैं तो यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाता है। डिस्क्रिप्शन में मेरा एक ब्लॉग भी दिया गया है, मैंने वो गूगल ब्लॉगर पर बनाया है, आप वहाँ पर भी जाके, वहाँ पर भी मैं धीरे धीरे कुछ कुछ कंटेंट डाल रहा हूँ, आप वहाँ पर वो पढ़ सकते हैं। और आगे हम एक और संत के बारे में, पूरी जीवनी मैंने सोचा है कि मैं एक सिद्ध संत की पूरी जीवनी आप लोगों को ऐसे ही सुनाऊं, जैसे मैंने 18 से 19 घंटे सुनाया है ना, ये आगे भी मैं ऐसे ही सुनाता रहूँगा। छोटी छोटी जीवनी भी मैं लेकर आता ही रहूँगा, और एक सीरीज चलेगा जिसमें मैं सिद्ध संतों की पूरी जीवनी लेकर आऊँगा। अगर आप हमारे साथ हमेशा बने रहना चाहते हैं, कहने का आशय है कि अगर किसी कारणों से यूट्यूब डिलीट हो जाता है, क्योंकि हमारा और आपका संपर्क तो बहुत हद तक YouTube से ही है, YouTube चैनल से ही है, तो अगर आप हमारे साथ हमेशा बने रहना चाहते हैं तो WhatsApp पे एक फ़ीचर आप लोगों ने देखा होगा, चैनल का फीचर आया है, तो मैंने WhatsApp पे भी चैनल बना लिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सिद्ध संतों की खोज के नाम से है, तो आप जाके वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं भी समय समय पे सिद्ध संतों के बारे में कुछ कुछ चीज़ें उस ग्रुप में डालता रहूँगा, तो आप जाके हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद।